मध्य प्रदेश के भूतशाला के बाद अब विदिशा के विजय सूर्य मंदिर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1951 के गेटेड नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए इस ऐतिहासिक स्थल को बीजा मंडल मस्जिद बताया गया है, जिसे हिंदू संगठनों में गहरी नाराजगी है। इस विवाद को लेकर विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के पदाधिकारियों ने विदिशा के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बीजा मंडल को मस्जिद कहे जाने पर कड़ा विरोध जताया है। समिति के सदस्य विधायक मुकेश टंडन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से इस स्थल का दोबारा सर्वेक्षण कराने की मांग की है। विधायक मुकेश टंडन ने राम मंदिर, ज्ञानवापी और अन्य स्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस स्थल का पुनः सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि ऐतिहासिक तथ्यों की सच्चाई सामने आ सके। विधायक मुकेश टंडन ने यह भी बताया कि हिंदू मुस्लिम विवाद जो पहले इस स्थल को लेकर था अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भी एएसआई के फैसलों को लेकर हिंदुओं के समर्थन में खड़ा है। उन्होंने मुस्लिम समाज का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने एएसआई के दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय लिया और परंपरागत नाग पंचमी पूजा की प्रक्रिया को जारी रखने का आश्वासन दिया है। हर साल नाग पंचमी के अवसर पर हिंदू श्रद्धालु विजय सूर्य मंदिर के बाहर से पूजा करते थे, लेकिन इस बार मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि कलेक्टर ने इस मांग को लेकर अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इस विवाद ने एक बार फिर से मंदिर मस्जिद के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है और इसके समाधान के लिए पुनः सर्वेक्षण की मांग को लेकर माहौल गर्म है।